हर बात पर कहते हैं ओक। क्या आपको पता है इसका फुल फॉर्म? 99% लोग नहीं जानते होंगे जवाब। आप भी दिन में न जाने कितनी बातों पर ओक बोलते होंगे। ये फ्रेज हमारी रोजाना की जिंदगी में बस चुकी है, लेकिन क्या आपको इसका सही मतलब पता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। हम अपनी जिंदगी में रोजाना बहुत से ऐसे शब्द बोलते हैं जिसका सही मतलब या इस्तेमाल हमें पता भी नहीं होता। चाहे स्कूल कॉलेज हो या फिर ऑफिस, का शब्द खूब बोला जाता है और वो है ओक। ये हमारी दिनचर्या में इतना रचा बसा शब्द है कि हम चाहकर भी दिन में न जाने कितनी बार इसे बोल ही देते हैं। खूब इस्तेमाल होने वाली अंग्रेजी की बेहद सामान्य फ्रेज ओक अपने आप में कोई शब्द नहीं है, बल्कि ये एक शॉर्ट फॉर्म है। आप शायद ही जानते होंगे कि इसका अपना फुल फॉर्म यानी पूरा शब्द होता है। सोशल मीडिया पर आपको कई बार लोग इसका मतलब पूछते हुए नजर आ जाएंगे और इसे 99% लोग जानते नहीं हैं। तो चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। क्या है ओक का मतलब? ये बात कम ही लोगों को पता होती कि ओक शब्द नहीं फ्रेज है। ये दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना है जिसे शॉर्ट में ओके कह दिया जाता है। ये दरअसल शॉर्ट फॉर्म है, जिसे पूरा लिखा या बोला जाए तो ये होगा ऑल करेक्ट या फिर ऑल अकल्ला। ये दोनों ही ग्रीक शब्द हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ इतना रच बस चुके हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। और भी हैं ऐसे शब्द। उदाहरण के तौर पर लिखने के लिए आई एग लिखा जाता है, जो भी लैटिन शब्द हैं। इनमें से आई का फुल फॉर्म होता है इडेस्ट, जबकि ईजी का मतलब एग्जेम्पली ग्रेशर होता है। हालांकि इनमें ईजी का इस्तेमाल खूब होता है। इसी तरह फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पिन सबसे जरूरी होता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स हो, हर जगह पिन चाहिए। ये भी एक शॉर्ट टर्म है जिसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है।